सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाइफा स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपकी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन और इससे रिलेटेड या फिर और भी है कुछ जो जनगणना से रिलेटेड है, यानी कि दोस्तों आपका ये सामाजिक अध्ययन का वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे आज के बहुत इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी मतलब अति लघुतरी क्वेश्चन कह लीजिए उनको, कभी कभी कह देता है कि हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन क्या था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके सामने रख देता होता तो एक ही नंबर का है, लेकिन बट अगर हमें वहाँ पे नहीं पता होता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपने क्वेश्चन की है, सबसे पहले अपने टॉपिक की, जो कि हमारा क्या दिया गया है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें से हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि धर्म, हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन क्या था। तो हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन जो था मेरे भाई, जो प्रथम आंदोलन था वो क्या था, ब्रह्म समाज आंदोलन था। क्या था? ब्रह्म समाज आंदोलन था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे मेरे भाई? राजा राम मोहन राय थे। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी अपने आप में होता है कि भाई ब्रह्म समाज है तो उस ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर आपसे बात की जाती है तो 20 अगस्त 1728 को कोलकाता में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, ठीक है ना। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। अब अगर हम यहीं पर बात करते हैं अगले प्रश्न की कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था। उसका उद्देश्य एक ही था कि हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा को इन्होंने अंत किया था, इन्होंने इनकी भाभी खुद कूद गई थी तो इस वजह से इनको बहुत बुरा लगा था, तो उसी जगह से इन्होंने ठान लिया था। उसके बाद बहुविवाह, मतलब बहुत ज़्यादा विवाह, उसके बाद जातिवाद और अस्पर्शता, ठीक है ना, छुआछूत आदि समाप्त किया। उसके बाद बात करते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद जी ने की थी, दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी, एक मिनट, एक और क्वेश्चन ऊपर निकल गया है। यहाँ पर बात करते हैं जो कि प्रभावित दिया गया है यहाँ पर क्या, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि किसकी प्रेरणा से, जी हाँ, किसकी प्रेरणा से दयानंद ने, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी गिरजानंद की, ठीक है ना, उनकी प्रेरणा से। आगे बात करते हैं कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, तो आर्य समाज का एक ही उद्देश्य था, बहुत सारे उद्देश्य थे, तो आपको अगर पता है, एकाध पता होता है, ऐसे अगर पूछ लिया जाता तो आपको अगर वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, इनका कोई भी उद्देश्य जो है वो आप लिख सकते हो, है ना, इनका कोई भी उद्देश्य आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो कि हमारा दिया गया है कि स्वामी दयानंद ने क्या नारा दिया था, स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने क्या नारा दिया था, उन्होंने दिया था कि पुनः वेद की ओर चलो, मतलब पहले लोग वेदों पर आधारित होते थे, है ना, और उसके बाद फिर लोग वेद से हट गए, उन्होंने एक और नारा दिया था कि पुनः वेद की ओर चलो, मतलब जितना वेद में लिखा हुआ है उसके हिसाब से वर्क करो, उसके हिसाब से काम करो। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि DAV संस्था की स्थापना कब हुई, DAV संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1886 ईस्वी में दयानंद के मरणोपरांत, दयानंद के मरणोपरांत हुई थी, ठीक है ना, 1886 में। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, जो रामकृष्ण मिशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1896-97 ईस्वी में बेंगलुरु कोलकाता में हुई थी। बात करते हैं यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन के कौन थे, संस्थापक थे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता के एक मंदिर के पुजारी थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु भी माने जाते हैं, ये है ना, गुरु भी माने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म और मृत्यु जो है वो कब हुई थी, जन्म इनका 1836 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1886 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी, तो 1863 और 1902, ठीक है ना, 1902। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था, तो मानव समाज का हित था, रामकृष्ण मिशन का क्या था, मानव समाज का हित था,
उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में कब और कहाँ भाग लिया था, तो 1893 ईस्वी में शिकागो यानी अमेरिका में, इन्होंने अमेरिका में भाग लिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये पूरी सोसाइटी के बारे में आपको बताया था, रूस की निवासी महिला मैडम हेलिना वालाट्स्की एवं अमेरिका निवासी कर्नल ऑलकॉट ने इसकी स्थापना जो है वो की थी। ठीक है, उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में, और भारत मद्रास में 1886 यानी इंडिया में 1886 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है कि भारत में इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय जो है वो किसे है, तो किसे है, मिसेज एनी बेसेंट 1847-1933 इनका काल था ये, और एनी बेसेंट का है ये श्रेय। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, तो धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो आचार्य केशव चंद्र सेन थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, कब और कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी 1886 ईस्वी में। ठीक है ना, कब हुई थी, 1886 ईस्वी में हुई थी, और सॉरी 1866 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। ठीक है ना, कोलकाता में। उसके बाद आदि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, आदि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो स्त्रियों की मुक्ति, विद्या का प्रसार, मद निषेध, उसके बाद दान देने पर अधिक बल, दान देने पर अधिक बल। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रार्थना समाज जो है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बताया भी था मैंने, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, गोविंद रानाडे एवं डॉक्टर आत्माराम थे। बात करते हैं यहाँ पर कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, तो जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि। उसके बाद हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा और इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है ना, के संस्थापक कौन थे, हेनरी विवियन डिरोजियो थी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ हुई, यंग बंगाल आंदोलन जो था उसकी स्थापना जो है ना दोस्तों वो कहाँ हुई थी, तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1826 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना, यंग बंगाल आंदोलन का ये उद्देश्य था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि बहावी आंदोलन के प्रचारक कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मोहम्मद मौलवी, ये बहावी आंदोलन के प्रचारक थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करते हैं कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस्लाम धर्म की पवित्रता को बचाए रखना, इस्लाम धर्म की पवित्रता जो है उसको बचाए रखना, ये बहावी आंदोलन के उद्देश्य थे। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद का थे खां थे, और अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये भी आपके आपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन जो था वो अपने आप में क्या उद्देश्य था, उसका क्या उद्देश्य था, तो मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाना एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। आज भी इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म हो चाहे जो धर्म हो, उसमें बहुत सारी जो बुराइयाँ हैं वो आज भी व्याप्त हैं, है ना, आज भी वो हैं व्याप्त हैं। आगे बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये तो आपको पता ही, 1920 में हुआ था। उसी के बाद बात करते हैं कि अहमदिया आंदोलन जो था उसके अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद 1838-1908 ये उनके क्या थे, ये उनके गुलाम थे। ठीक है, उसके बाद यहीं पर हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन जो था, अहमदिया आंदोलन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1889 ईस्वी में गुरदासपुर पंजाब में इनकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देवबंद स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद कासिम ननोरवी एवं रशीद अहमद मंगोही, ये इनके संस्थापक थे देवबंद स्कूल के। बात करते हैं यहाँ पर कि देवबंद स्कूल के स्थापना कब और कहाँ हुई, तो 1866-67 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी।
उसी के बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवबंद स्कूल का उद्देश्य क्या था। देवबंद का स्कूल का उद्देश्य एक ही था कि मुस्लिम संप्रदाय का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार, मुस्लिम संप्रदाय में धार्मिक नेता तैयार करना और अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करना और पश्चिमी संस्कृति का विरोध करना, ठीक है ना। ये इनका उद्देश्य था, देवबंद स्कूल का जो उद्देश्य था वो यही था। देवबंद स्कूल था उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य यही था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है। अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो हमारे भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमारे शुरू होते हैं। किससे रिलेटेड भाई? भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, जो कि दिया गया कि भारत में पहली बार जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय ये प्रारंभ हुई, यहाँ पर पहली बार बात की गई है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि भारत में है ना, अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार नियमित जो जनगणना है, एक मिनट, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। मतलब जब आज़ाद हो गया उसके बाद तो भारत को देखना चाहिए ना कि क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग रुके, कितने लोग भाग गए, क्या कैसे, तो वो जनगणना हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ से और आपके छोटे बोन लाइनर क्वेश्चन जो हैं आपके सारे यहाँ से कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921, जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहलाता है 1951, ठीक है ना, जनसंख्या का लघु विभाजन जो हुआ था, ठीक है। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना थी, तो वो थी मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जनगणना 2011 में कुल कितने जो कितने कितने प्रश्न शामिल किए गए थे, कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 29 प्रश्न जो है वो शामिल किए गए थे, ठीक है ना, 29 प्रश्न जो है वो शामिल किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121.08 करोड़ थी फिलहाल के लिए, अब ये 135 क्रॉस हो चुकी है। आप समझ सकते हो कि जनसंख्या जो है वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो एक दिन जो है मतलब हर एक आदमी जो है वो भूखा मर जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है विश्व की जनसंख्या, जी हाँ, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है, तो 17% पूरे विश्व की जनसंख्या, सोच लीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 62.31 करोड़ है, यानी कि 51.47% है, और महिला की यहीं पर 58.74 करोड़ है, यानी कि 48.53%, यानी महिलाएं वैसे भी कम है भारत में। उसके बाद भारत में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु तक समूह जो है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, 16.44 करोड़, यानी 13% है। उसके बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो 2001 से लेकर के 2010 में 2011 में हम का बताए ना, 10 साल बाद होता है ये, तो यहाँ पर दर कितनी है, तो 18.19 यानी करोड़, यानी कि 17.7% वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, नहीं पिछले मतलब नहीं 2011 से पहले, यानी 2001 से लेकर के 2011 में, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, है ना, अब तो क्या हो गया होगा, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसकी संख्या जो है और ज़्यादा बढ़ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि अगर 1000 पुरुष है तो 943 महिलाएं, ठीक है।
2011 के अनुसार यहाँ पर देश की साक्षरता कितनी है, तो 73% है। उसके बाद देश में पुरुष साक्षर दर कितनी है, तो 80.9% है। उसके बाद देश में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 64.68 है। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। आपको तो पता होना चाहिए ना, जिस प्रदेश में आप रहते हो वही प्रदेश देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी 19.98 करोड़ जनसंख्या में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम में, जैसा कि आपको पता है 6.10 लाख ही, अर्थात 6 लाख ही है, कहाँ करोड़ कहाँ लाख, ठीक है ना। अगर बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की, जो कि दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा, तो दिल्ली है, ठीक है ना, केंद्र शासित राज्य की बात की गई यहाँ पर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य जो है वो लक्षद्वीप है, इनकी संख्या भी आगे लिखी हुई है। और यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला, यहाँ पर यूपी की बात नहीं की गई, पूरे भारत की बात की गई, थाड़े महाराष्ट्र 1.1 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, जो कि 7,940 लोग वहाँ पर सिर्फ हैं। कितने लोग हैं, 7,940 लोग, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा दिया गया है, क्या दिया गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो बिहार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है, यानी 11,320 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितने व्यक्ति, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो केरल, सबसे ज़्यादा केरल, यानी कि 1,084 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष, वहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और आगे बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है हरियाणा, यानी 879 महिला प्रति 1,000 पुरुष। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पांडुचेरी 1,037 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष हैं। और उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन एवं दीव है, 618 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष हैं। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो माहे जो है पांडुचेरी 1,176 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर दिया ये गया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दमन एवं दीव 533 महिला प्रति 1,000 पुरुष। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, केरल 94% साक्षर लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, सबसे ज़्यादा बिहार न्यूनतम है, ठीक है ना, पढ़े लिखाई में। और साक्षरता अब वो फिलहाल बढ़ गया है, और अब अगर होगा तो उसके बाद ये बढ़ ही जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप 92.28 है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दादर नगर हवेली जो है जे है। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो शेर चीफ है मिजोरम, 98% साक्षरता वहाँ पे मिजोरम में, है ना। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश 33, यानी ये जिला जो है सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहाँ पर है, 33.22%, यानी 2.2%, ठीक है। तो ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी आप देख सकते हो, अपलोड हो गई होगी। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना दोस्त मित्रों के साथ। वन लाइनर क्वेश्चन थे उतना इंपॉर्टेंट, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन थे आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। और एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आपके DLED में तो था ही, इसकी वजह से मैंने इसको सारा क्वेश्चन जो है ये इंक्लूड किया, लेकिन ये देखा जाए तो हर एक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।